नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। समस्तीपुर जिले के रोस्टा नगर परिषद में सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने पर बैठे अफसर को थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ, आपको हम बताएं कि रोस्टा में जो सफाई कर्मी थे वो काम कर रहे थे और उनकी वेतन काफी दिनों से रुकी हुई थी, जिसके बाद सफाई कर्मियों की ये मांग थी कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए और वेतन उन्हें नहीं दिए जा रहे थे, जिसको लेकर के उन्होंने हंगामा भी किया। हंगामा करने के बाद उन्हें समझाया गया कि आपको वेतन दे दिए जाएंगे। इसके पहले वो जब दशहरा का समय था उस समय में भी जब वेतन नहीं मिले थे तो उन्होंने हंगामा किया था, जिसके बाद वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो उन्हें समझाए कि अब आपको काम के हिसाब से वेतन दिए जाएंगे और हर हफ्ता वेतन दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पिछले हफ्ते उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिसके बाद वो लोग काम ठप कर दिए और कहे कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम शुरू नहीं करेंगे। अब इसे लेकर के ईओ जयनंद अकेला से वो बातचीत के दौरान एक सफाई कर्मी उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। ये एक वीडियो भी हमारे सामने आया है, आप इस वीडियो को पहले देखिए कि किस प्रकार से सफाई कर्मी से जब ईओ बात कर रहे थे तो उस समय सफाई कर्मी ने गुस्से में आकर के अफसर को थप्पड़ जड़ दिया। तीन महीना से लड़ा कर रहे हैं, चौथा महीना चढ़ गया, पैसा नहीं, 10,000 किसी को एडवांस मिला है, तो दुर्गा पूजा हम काम किए हैं, अभी पैसा नहीं मिलने के कारण हम लोग हंगामा कर रहे हैं। दरअसल ये घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। रोस्टा नगर परिषद कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अपने चैम्बर में बैठे कार्यपालक पदाधिकारी ओ जयानंद अकेला को बातचीत के दौरान एक सफाई कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। अचानक हुई इस घटना के बाद अफसर वहां पर मौजूद कर्मचारी स्तंभ रह गए। कर्मियों ने इसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची रोस्टा थाना पुलिस नाराज सफाई कर्मी को समझाने का प्रयास कर रही थी। आपको बताया कि थप्पड़ मारने वाले सफाई कर्मी राम सेवक राम का कहना है कि 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने में 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर दिया गया है। वह एडवांस दिया गया तो गाली बक रहा कि तुमको हम ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। 20 महीने से पीएफ का पैसा बाकी है और 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। 10,000 एडवांस मिला था तो दुर्गा पूजा में काम किए। वहीं रोसरा SDO ब्रजेश कुमार ने बताया है कि यह घटना गैर कानूनी है, किसी भी मामले का हल बातचीत से निकाला जाता है, इस मामले पर जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएंगी। तो ये कहना तो है कि कार्रवाई की जाएंगी, लेकिन अगर किसी कर्मचारी को आप वेतन नहीं देते हैं तो उन्हें गुस्सा आएगा ही, और इसे अधिकारियों को भी समझना चाहिए जब वो बातचीत के लिए गए और जब इसके पहले भी वो अनशन किए थे दुर्गा पूजा के समय पर। उनका कहना था कि एक बार और हम लोग हंगामा किए थे, उसके बाद ये समझाया गया कि आप लोगों को वेतन दे दिए जाएंगे, सप्ताह के हिसाब से वेतन दे दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले हफ्ते वेतन नहीं मिले और इसीलिए वो लोग काम ठप किए। जब इसके बाद भी अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे थे तब उनका गुस्सा सर पर चढ़ा और तब अफसर को उन्होंने थप्पड़ मारा। हालांकि ये गलत है कि आपसे ऊपर के जो बैठे लोग हैं अगर आप उन पे हिंसा करते हैं तो ये बेहद ही गलत है, और इसके लिए अब बोला भी गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई होती है, लेकिन उनकी वेतन किस प्रकार से मिलती है ये भी आगे देखना होगा। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ PR। धन्यवाद।